Hello students, today we are going to see the crystal microphone, the principle of crystal microphone as well as construction and working of crystal microphone. Students, today we are going to learn crystal microphone. तो आज हम क्रिस्टल माइक्रोफोन देखने जा रहे हैं. क्रिस्टल माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी उस पर जो गिरता है वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट करता है. सो क्रिस्टल माइक्रोफोन इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस. ये जो डिवाइस है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको समझने के लिए वी नीड टू सम क्रिस्टल्स होते हैं. क्रिस्टल्स लाइक क्वार्ट्ज, बेरियम टाइटनेट या रोचले सोल्ट, टॉर्मलिन एक्सेट्रा, ऐसे ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है. सो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए, सो इफ दिस इज ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, अब ये हमारा कोई क्रिस्टल है और ये जो एक्सिस है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. तो एक्स एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपांड एंड कंप्रेस कर रहे हैं. एक्सपांड एंड कंप्रेस, जब हम इसको एक्सपांड एंड कंप्रेस करेंगे एंड दिस एक्सिस, अभी तो मैंने एक्स एक्सिस बोला है बट जहाँ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होता है जिस एक्सिस में हम करते हैं उसे हम मैकेनिकल एक्सिस बोलते हैं. मैकेनिकल एक्सिस, इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एक्सिस. ये एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. जब एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके जो परपेंडिकुलर फेसेस रहेंगे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड. मींस इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर में ये वाला फेस आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड. अब ये जो एक्सिस है इसे हम इलेक्ट्रिकल एक्सिस बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्सिस. सो हमारे पास एक क्रिस्टल है. क्रिस्टल, सारे क्रिस्टल्स नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स लाइक क्वार्ट्ज, बेरियम टाइटनेट, टॉर्मलिन एक्सेट्रा, ऐसे अगर हमने क्रिस्टल लिया और क्रिस्टल के मैकेनिकल एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको हम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, छोटा एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, यानी इट इज ए सॉर्ट ऑफ ए वाइब्रेशन. जब वाइब्रेशन होगा तो उसके परपेंडिकुलर जो फेसेस रहेंगे उसे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी यहाँ पे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा. एंड इस एक्सिस में जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिकल एक्सिस बोलेंगे. तो दिस क्रिस्टल, अभी हम क्रिस्टल माइक्रोफोन की कंस्ट्रक्शन में जाने वाले हैं. तो ये जो क्रिस्टल था यानी यहाँ पे दिस इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो लाइन ऐसे खींचा है दिस इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल. अब इसे हमने अटैच करके रखा है एंड ये जो है ये परफेक्टली रिजिड है. यानी ये जो पोर्शन है, ई वाला जो प्लेट हम बोल रहे हैं, यहाँ पे दो प्लेट है ई एंड एफ, ई वाला प्लेट मूव नहीं करेगा वेयर एज एफ इज फ्री टू वाइब्रेट. देन यहाँ पे ए डायफ्राम इज देयर एंड नीचे से दो टर्मिनल्स है एंड इसके अंदर हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्योंकि हमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देना है तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो इम्पोर्टेंस है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज ईएमएफ फॉर ए स्मॉल स्ट्रेस. अगर हमने कोई भी छोटा भी स्ट्रेस ऐसे दिया तो वो छोटे स्ट्रेस को बाकी जो भी मैंने क्रिस्टल्स बताए हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने वाले क्रिस्टल्स के कंपेरिजन में क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है. यानी थोड़ा भी हमने उसको एक स्ट्रेस दिया तो ये वाइब्रेट करेगा और ये बहुत ज्यादा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेगा. सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर प्रिफर्ड. तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हमने यहां रखा है, यहां पे प्लेट ई है, प्लेट एफ है, प्लेट यहां पे अटैच है, ये रिजिड है, इट विल नॉट मूव, वेयर एज प्लेट एफ विल मूव एंड दिस इज द डायफ्राम एंड इट इज कनेक्टेड टू द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1 एंड T2. जब हम यहाँ से हेलो मैं बोलूंगी, क्योंकि एक्चुअली दिस इज हम क्या करते हैं कॉलर पे लगा के रखते हैं, तो जैसे ही द पर्सन विल से हेलो, तो हेलो जब बोलेंगे तो वेरिंग एयर प्रेशर यानी यहाँ से साउंड आके इस पे डायफ्राम में हिट करेगा. जब साउंड आके इस पे हिट करेगा यानी वी विल राइट एज वेरिंग एयर प्रेशर, यहाँ पे वेरिंग एयर प्रेशर जनरेट हो रहा है, हिट होगा ये डायफ्राम, क्या होगा डायफ्राम
डायफ्राम विल स्टार्ट मूविंग, वाइब्रेट करेगा. अब डायफ्राम इज अटैच टू प्लेट एफ, एज ए रिजल्ट दिस प्लेट एफ विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. तो ये प्लेट एफ जब स्टार्ट वाइब्रेट होगा तो अल्टीमेटली द क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा एंड द क्वार्ट्ज क्रिस्टल विल स्टार्ट एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन. इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया दिस इज ए पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देने वाला क्रिस्टल है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड. दैट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस को लेने के लिए हमने T1 एंड T2 टर्मिनल अटैच करके रखा है एंड इट विल प्रोड्यूस. तो वॉट एवर साउंड एनर्जी इज फॉलोइंग ऑन दिस प्ले डायफ्राम इज कन्वर्टेड इंटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल. As I already told you, crystal microphone is a electromechanical device based upon the principle of piezoelectric effect. It is based on the piezoelectric effect. According to this effect, when crystal like is, only certain crystal shows the piezoelectric effect, and the crystals are quartz, barium, titanate, Rochelle salt, tourmaline, etc. are stretched or compressed along a certain axis. It is stretched or compressed along a certain axis, and the name of that axis is mechanical axis. Then equivalent electrical potential difference is developed according that potential difference is developed along perpendicular to the mechanical axis. So it is developed along the perpendicular axis, and the name of that perpendicular axis where potential difference is generated is called as electrical axis. And in our day-to-day life, we prefer quartz crystal because it produces large electromotive force as compared to other crystals. Given same, if we gave same amount of stressing force to any of the crystals, which I already told, quartz, barium, titanate, Rochelle salt, tourmaline. So for the same stress, the maximum or the large EMF is generated only by the quartz. Hence, quartz is preferred in our all day-to-day life applications. Apart from that, for the same stress, it produces the large EMF. It is also, compared to other crystals, it is little cheaper. Yeah, we can say it is inexpensive and easily available. Hence, widely used as piezoelectric crystal is quartz. So just now we saw how the construction of crystal microphone from my video. So it is just a revision for you. A specially cut quartz crystal, and we denote it by C in the diagram. Just go back and you can see the diagram. C is fitted between the two parallel plate, and the name of the two parallel plate is E and F. One plate is fixed. The E plate is fixed while the other one is attached to the diaphragm. The other plate, the name of the other plate is F, and F is attached to the diaphragm. When sound vibrations, when the sound waves strike the diaphragm will start vibrating. This vibration forces the quartz crystal to vibrate, and accordingly, it produces equivalent electrical signals of varying amplitude. Since whatever I am saying, it is not of same amplitude. There is a variation in my whatever I am saying, like hello, how are you? So there is a variation in the way I am talking. So that variation can varying. So equivalent electrical signal will be produced, but it is of a varying magnitude. The magnitude is not equal because my whatever I am saying, it is not of equal magnitude. The output of the quartz crystal is very weak. Whatever it is creating, the signal is very, very low. So it cannot be directly fed into loudspeaker. So first we need to amplify the signal. Whatever signal it is converted into voltage, electrical signal, we need to first amplify, voltage amplify. Then we will amplify the output of the voltage amplification to the power amplifier. We will put it in the power amplification circuit. And there it will get power, its power get amplified. And ultimately we will feed the output of the power amplifier to the loudspeaker, and from the loudspeaker you can hear the amplified sound. Hence the output of the quartz crystal is very weak, and hence the signal obtained is first voltage amplified by using voltage amplifier, and then power amplified by using power amplifier, and before feeding to the loudspeaker. Though the crystal microphone has an excellent wide frequency response, its frequency response is very wide. The drawback is that the piezoelectric property changes with temperature.
एंड स्पेशली इफ द टेम्परेचर इट इज़ नॉट गुड इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया बिकॉज वी आर फेसिंग अराउंड 50 डिग्री वी गो अप टू 50 डिग्री सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली चेंजेस एंड इट्स पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज रैपिडली एट ए हाई टेम्परेचर वी कैन से अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस Hence, it is not successful in hot countries like India as it limits its performance because its property changes with temperature. If anything which changes with temperature, then it is not give the 100% accuracy. Hence, it is not good in or not successful in hot countries. This is the biggest drawback of crystal microphone. Thank you.